डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच दो दौर की बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किम के साथ मुलाकात को ट्रंप ने ऐतिहासिक करार दिया, जबकि किम ने कहा कि दुनिया आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखेगी। सिंगापुर समिट में दोनों के बीच मुलाकात एक तरह से सफल मानी जा रही है, सफल रही है। संयुक्त बयान जारी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किम जोंग को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। दोनों नेताओं के बीच समझौते से पहले दो दौर की बातचीत हुई। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने लंच भी साथ में किए। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किम जोंग से उनकी बैठक उम्मीद से बेहतर हुई है। इसके अलावा दोनों नेता बैठक के बाद रिजॉर्ट के अंदर टहलते हुए भी दिखाई दिए। सेंटोसा द्वीप के कैपेला रिजॉर्ट में दोनों नेताओं के बीच 41 मिनट तक वन ऑन वन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कई मायनों में ऐतिहासिक है। अमेरिका का कोई सिटिंग राष्ट्रपति पहली बार किसी उत्तर कोरियाई नेता से मुलाकात कर रहा है। वहीं सत्ता संभालने के 7 साल बाद किम जोंग उन पहली बार इतनी लंबी विदेश यात्रा पर आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम के साथ बैठकर उम्मीद जताई है कि ये शिखर वार्ता जबरदस्त सफलता वाली होगी। उत्तर कोरियाई नेता के बगल में बैठकर ट्रंप ने कहा कि हम बेहद अच्छी चर्चा करने वाले हैं और हमारे रिश्ते शानदार होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उत्तर कोरियाई तानाशाह ने कहा कि सिंगापुर में आज हो रही बैठक की राह में कई रोड़े थे। उन्होंने बताया कि हमने उन बाधाओं को पार किया है और आज हम यहाँ हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति और एक उत्तर कोरियाई नेता के बीच हो रही ये पहली शिखर वार्ता ट्रंप और किम के बीच कभी बेहद तल्ख रहे रिश्तों को भी बदलने वाली साबित होगी। मुलाकात से पहले अमेरिका ने परमाणु निरस्तीकरण के बदले उत्तर कोरिया को विशिष्ट सुरक्षा गारंटी की पेशकश की थी।